गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज मैं खाने की वीडियो नहीं तो दिखा रही हूँ आपको, कुछ मैं अपने किसी की डिमांड में मंगवाए हैं मैंने पसंदीदा सूट, तो आपको दिखाती हूँ। और आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई कीजिए अमेजोन से। ये है एक ब्लू कलर का ये कुर्ती है और ये इसका प्लाजो है। ये फ्रंट से ऐसी है, ऊपर से इसमें बटन अटैच हुए हैं, सिलाई इसकी लगी हुई है, इसमें बटन लगे हुए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे से फ्रंट ओपन है और ये बहुत ही सुंदर है, मुझे भी अच्छा लगा है। और आपको भी अच्छा लगे तो आप भी मंगवा सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में है। और ये प्लाजो में डबल फोल्ड लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा चौड़ी मोहरी तो नहीं है लेकिन ठीक है, इस यहाँ तक इसमें डबल फोल्ड हो रखा है। इसी रेड चुन्नी और ब्लैक कुर्ती, ये इसकी चुन्नी है, ये लेगिंग है और ये कुर्ती, ये भी बहुत अच्छे रेट में है, बहुत ही सुंदर है। और एक ये है, इसे भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। ये इसकी चुन्नी है और गले पर, ये गले पर अलग से कपड़ा लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर प्लाजो पे भी ये पाइपिंग लग के डबल कपड़ा मुड़ा हुआ है, ये इसका बॉर्डर बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे रेट पे है। आपको पसंद आए तो आप भी मंगवा लो। ये सब मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं किसी की डिमांड पर स्पेशल, और आपको अच्छे लगे हो तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रेट में है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ सवा के चावल की खिचड़ी, जो कि नॉर्मली व्रत में रोज खाई जाती है तीसरे दिन, तो बहुत ही ईजी है, इसको हर कोई बना सकता है। ये छोटी एक कटोरी सवा के चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए, और इनको निथारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। और ये लिए मैंने 3 आलू काट के, अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, कुकर में बनाते हैं तो स्पेशली बस आलू के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। तो मैं 2 आदमियों के लिए बना रही हूँ और बहुत ही ईजी है, तो आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कुकर को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच छोटी वाली घी डाला है। इसे आप रिफाइंड में तिल का तेल या मूंगफली के तेल से भी बना सकते हैं। और इसे बस छोंकने के लिए मैं लूँगी 2-3 तेज़पत्ता, लौंग और हींग जीरा। हींग आप खाते हैं तो व्रत में खा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसको डालेंगे इसमें, थोड़ा ही रोस्ट होने देंगे इसको। 1 पिंच डाली है मैंने हल्दी, हल्दी मैं खा लेती हूँ व्रत में क्योंकि अधिकतर दवाइयों में भी हल्दी खाई जा रही है, तो मैं हल्दी डाल लेती हूँ। तो 1 कटोरी में आप 6 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा पतला खाती हूँ, कढ़ाई में कम भी डाल सकते हैं, तो इसको अच्छा खासा पतला बनाती हूँ मैं, इससे कि आलू भी अच्छे से गल जाए, खिचड़ी टाइप बनाती हूँ। और इसमें सेंधा नमक स्वाद अनुसार डाल के इसमें 1 सीटी आने दें, आग को मीडियम रखें थोड़ा। और अब आगे मैं पूजा करने जा रही हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ। 11 बजने वाले हैं, अभी मैंने लिए चाय और अब इस ये खिचड़ी खाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं व्रत में, लेकिन ये कोई बंधन नहीं है कि नमक ना लें या कुछ भी, हम खा सकते हैं जो मन करे। और पूजा मैंने कर ली है, ये मैंने प्रसाद बनाया है, हम सभी लोग लेते हैं, भगवान जी का भोग लगाते हैं। मैंने 1 कटोरी में 6 कटोरी पानी डाला, बिल्कुल वैसे ही बने जैसे मैंने बनाना चाहा, तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खड़ा खाना चाहते हैं तो उस कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन हम लोग घुटी हुई खाते हैं थोड़ा, तो इसमें बहुत ही परफेक्ट बने हैं। और 1 कटोरी मैंने आपको दिखाई थी इनकी क्वांटिटी, से कितना कुकर भर जाता है, ये काफ़ी फूलते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डाल के व्रत में सब लोग खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनी है, आप भी बनाइए एक बार, बहुत ही लाइट भोजन है। और इसे आप दही के चटनी के या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगती है। और मैं आराम करके आपसे शाम में फिर मिलती हूँ। और अब आराम मैंने कर लिया है, तो अब मैं
अखंड दीपक जला रखा है, इसको थोड़ा सा देखूंगी, घी वगैरह डालूंगी, पत्ती को ठीक करूंगी। तो भी बार बार उसको देखना पड़ता है। दो तीन दिन तो आराम से जलता है, लेकिन तीन चार दिन होने लगते हैं तो थोड़ा सा बत्ती घी पकड़ लेती है या कैसे, इसको जल्दी जल्दी सही करना पड़ता है। तो फुल पंखा चलता है इसलिए इसको चिमनी के ऊपर, इसमें मुझे घी डालना है। कभी कभी इसकी बत्ती को कैंची से ऊपर से काट के सही किया जाता है, लेकिन अभी इसमें घी की जरूरत है तो मैंने घी डाला। और अभी शाम में मैं क्या करती हूँ आपके साथ सब शेयर करती हूँ, क्या शाम में मैं बनाऊंगी और क्या आगे करती हूँ। थोड़ा सा मैंने आज सोफे के कवर वगैरह धोए हैं और लगाए हैं, और मैंने ये एक बेड को, ये मेरा सोफा कम बेड है, इसमें बहुत हार्ड गद्दे आए हैं, बेड है इसमें थोड़ा हार्ड गद्दे हैं, तो इसके ऊपर मैंने ये कंफर्टेबल रुई के गद्दे डाल दिए, बहुत ही कंफर्टेबल हो गया ये। और आज पूरा इसको मैंने सेट किया है, साफ सफाई करी है, और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, जा रही हूँ। आज बनाऊंगी मैं टिंडे और कोटो का पराठा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा लोग, और अब मैं शाम में दीपक जलाने जा रही हूँ, और इसके साथ ही करती हूँ ब्लॉग का एंड। कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय।